हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ओरियो से बना हुआ केक। ये केक बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और हम इसे कम पैसों में भी बना सकते हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ओरियो के बिस्किट पॉकेट, दूध, पिसी हुई चीनी, जेम्स, बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें बिस्किट में से क्रीम को अलग कर लेना है। यहाँ मैं स्पून के हेल्प से क्रीम को अलग कर ले रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट में से सारी क्रीम को अलग कर लेंगे। अलग किए हुए बिस्किट को हमें मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। इसमें हम मिलाएंगे पीसी हुई चीनी। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध मिला के इसे फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे तरीके से फेंट लेना होगा। यहाँ मैंने केक बनाने का मोल्ड ले लिया है। अब इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। इसके बेस में हम पाउडर शुगर को स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि ये केक चिपके ना। अब हम केक के मिक्सचर को इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्सचर डालने के बाद इसे हमें 2-3 बार टैप कर लेना है ताकि कोई भी फ्री स्पेस ना रहे। अब इसे हम 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। जिसके पास माइक्रोवेव अवेलेबल ना हो वो उसे कुकर में भी विदाउट विसल कुक कर सकते हैं। ये 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम केक को बाहर निकाल लेंगे। इसे हमें थोड़ा ठंडा करके इस तरीके से निकाल लेना है। ये केक हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से निकल के आ चुका है। अब हम बनाएंगे केक के ऊपर की क्रीम। इसके लिए जो हमने बिस्किट में से क्रीम को निकाल लिया था उसे हम माइक्रोवेव के बर्तन में ले लेंगे। अब इसे 2 मिनट की हीट देके इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। ये क्रीम सॉफ्ट होने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब इस क्रीम को हम अपने केक के ऊपर लगा लेंगे। इसे नाइफ के मदद से हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे।
ये इवनली स्प्रेड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जेम्स लगा के सजा देंगे। इस जेम्स को चाहे तो आप बारीक करके स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। अब हर्षी सिरप की मदद से हम हमारे केक को सजा देंगे। ये हमारा केक बनके रेडी है। है ना, ये बहुत ही इजी रेसिपी। इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।